बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आलू की पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। एकदम से मेरे बच्चों ने फरमाइश करी कि मम्मा आज आलू की पकौड़ी बना लीजिए। वैसे भी रमज़ान में ये बहुत शौक से खाई जाती है, बहुत ही कॉमन है हमारे नॉर्थ इंडिया में। मतलब रमज़ान के दस्तरखान ये आलू की पकौड़ी के बिना अधूरी समझी जाती है। तो वो तो बहुत ही कॉमन है, हर कोई बनाता है, फिर भी हर घर की निज़ाम अलग है। तो मैं बना ही रही थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ इसको। तो प्लीज़ मैं देखिए मैं कैसे बनाती हूँ आलू की पकौड़ी। जी देखिए, मैंने इसमें 1 कप के बराबर बेसन लिया है। मैं इसका लम्स फ्री कर रही हूँ अभी, लम्स रहता है तो सही नहीं बनता है। और 3 बड़े साइज़ की ये लिया था मैंने आलू, पर मैंने 3 नहीं किया, 2 ही किया। मैंने स्लाइसर से इसको स्लाइस कर लिया था, ये देखिए ऐसे, ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं, ऐसे ठीक है, इसी साइज़ के। फिर मैं इसमें डालती जाऊंगी, ये देखिए हल्दी, हल्दी डालूंगी टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हल्दी और 1 चम्मच मान लीजिए ये चिली पाउडर, थोड़ी सी ज़ीरा, 1 टीस्पून, देन धनिया पाउडर, देन क्रश चिली, ओके, और ये अजवाइन, ये अजवाइन ज़रूर डालती हूँ मैं, अजवाइन डालूँगी। तो ये सब डाल के मैं इसको मिक्स करके एक बैटर बना रहा है जी। ये देखिए अभी मैं सब मिक्स करने वाली हूँ, पहले तो थोड़ी थोड़ी डालूँगी, ज़ीरा 1 टीस्पून, ओके, हल्दी, बहुत लोग हल्दी नहीं डालते, मैं डालती हूँ क्योंकि इसमें कलर बहुत अच्छा आता है, हल्दी। और ये दीजिए 1 टीस्पून के बराबर क्रश चिली। इसके बाद ये धनिया पाउडर, ओके, ये चाट मसाला बोलना भूल गई थी मैं, कोई भी चाट मसाला एंड अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, ओके, ये चाट मसाला भी डालूंगी मैं। देखिए 1 टीस्पून पूरा डाल दिया, चाट मसाला में सॉल्ट रहता है तो सॉल्ट में कम डालूंगी। ये हो गया, देन मैं मिक्स करूंगी पानी से इसको। बस मैं इसमें कोई किसी किस्म की सोडा नहीं डालती, बहुत लोग इसको सोडा डालते हैं। देखिए बिना सोडे का भी मेरी पकौड़ी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की बनती है जी। देखिए मैंने ये बैटर बना के रख लिया था, 10 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया था। और यहाँ पैन में मैंने ये तेल गरम कर लिया था, तेल में ज़रा से ऑनियन, कल कल वाली जो ये बनाई थी, कोरमा बनाई थी, उसकी ऑनियन फ्राई की तेल थी तो मैंने उसको ऐड कर दिया था। अब मैं इसमें एक एक करके ये देखिए डालूंगी आलू के चिप्स। इतना ही होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा लिक्विड, बस इसमें कोट हो जाए। ये देखिए बिस्मिल्लाह, बस एक एक करके डालती जाऊंगी। ये देखिए इसके कलर ऐसे आती है, देखिए शक्ल देखिए इसकी, बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी बनती है। अभी मैं इसको डिश आउट करूंगी। देखिए मैंने ये दूसरा बैच भी डाला है, पहले वाला ये निकाल के रखा है, अभी ये दूसरा बैच करते हैं। ये भी ऑलमोस्ट डन है, मैं भी निकालने जा रही हूँ। ये देखिए हो गया मेरा, कितनी ज़बरदस्त पकौड़ी बन के तैयार हुई है जी। अभी मैं इसके साथ आपको एक सॉस बना के दिखाऊंगी, बहुत ही मज़े की लगती है इसको आलू की पकौड़ी के साथ। वैसे तो नॉर्मली केचप के साथ, हरी चटनी के साथ इसको खाई जाती है, पर मेरे घर पे इसको एक सॉस के साथ खाई जाती है। मैं वो भी बना के दिखाऊंगी आपको, मेयोनीज़ के साथ। ये मैंने ज़रा सी मायोनीज़ डाली है इसमें, ये वाली मायोनीज़ और ज़रा सी ये चिली सॉस डाला है, ओके, और ये केचप, और ऐसे केचप डालूंगी।
बस दैट्स इट। और इसको बहुत अच्छे से एक मिक्स दूंगी, बहुत ही अच्छे से, और इसको फ्लेवर और ज़्यादा फ्लेवर बनाने के लिए इसमें एक सिर्फ एक गार्लिक क्लोव जो हम ग्रेट करके इसमें डालूंगे। दैट्स इट, मेरा सॉस तैयार हो गया। देखिए मैंने ज़रा से एक हाफ गार्लिक क्लोव जो है ना, ज़्यादा डालने से उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी स्मेल, क्योंकि ये रॉ गार्लिक है ना, इस पर डाल के बस हो गया मेरी सॉस तैयार। देखिए मेरी सॉस है बनाया, और ये मेरी आलू की पकौड़ी। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है? और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ और क्विक एंड इजी रेसिपी लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।